वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ होली हैक्स। जी हाँ, होली आने वाली है एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको होली के कलर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मीन्स कलर लग जाते हैं, वो छूटते नहीं है या फिर उनसे पिंपल्स हो जाते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए ही, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे ऐसे हैक्स जिससे आप अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, अपने हेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कलर से, सन से, जिससे कि आप जब शाम को, इवनिंग को जब आप तैयार हों तो आपके चेहरे पे, आपके बालों में बिल्कुल भी कलर ना हो, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आपने होली खेली है बट आपने बहुत ज्यादा होली खेली हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साइड में जो बेल आइकन है वो भी हिट करिएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो फिर चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हैक नंबर वन ये है कि आपको अपने फेस पर यूज करना है ऑयल। सो आप इसके लिए कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो रही है तो आप कोकोनट या आलमंड ऑयल ही यूज करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राई है तो ही आप ऑलिव ऑयल की तरफ जाएं, अदरवाइज आप कोकोनट या आलमंड ऑयल यूज करें। एंड इसको आपको बहुत अच्छे से अपने फेस पर, एंड अगर आपने फुल स्लीव्स नहीं पहनी है तो अपने हैंड्स पर, अगर आप शॉर्ट्स पहन रहे हैं या फिर आप यू नो ड्रेसेस पहन रहे हैं तो अपने लेग्स पर, मीन्स जो भी ओपन पार्ट है आपके आपके पूरे बॉडी में, उनको आपको उसमें ऑयल यूज करना है जिससे कि जो कलर होते हैं वो आपकी स्किन पर नहीं लगते हैं, बहुत टाइम तक नहीं रहते हैं, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं जब भी आप शावर लेते हो। अच्छा, हम अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑयल यूज कर लेते हैं, हम अपने लेग्स को कवर करते हैं, हम अपने हैंड्स को कवर कर लेते हैं, बट बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो हम भूल जाते हैं। लाइक आप ईयर्स के पीछे वाला एरिया आप नहीं कवर कर सकते हैं एंड वहां पर रंग लग जाता है, इनमें बहुत दिन तक रहता है, जाता ही नहीं है। सो उसको भी आपको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो अगर आपके पास कोई भी कोल्ड क्रीम है तो आप उसे अपने ईयर्स के अराउंड अप्लाई कर लीजिए, ईयर्स के बैक पे अप्लाई कर लीजिए। नहीं है तो आप वैसलीन भी अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से जो कलर होगा वो आपकी ईयर्स के यू नो बैक ऑफ द ईयर्स या फिर ईयर्स पे नहीं जमेगा एंड वो बिल्कुल ईजिली छूट जाएगा। आपने अपने फेस को प्रोटेक्ट कर लिया, ईयर्स को प्रोटेक्ट कर लिया, हैंड लेग सबको प्रोटेक्ट कर लिया, बट अपने लिप्स को कैसे छोड़ सकते हैं? तो लिप्स को भी प्रोटेक्ट करना है एंड आपको यूज करना है कोई भी लिप बाम। अगर आपके पास लिप बाम नहीं है आप वैसलीन यूज कर लीजिए जिससे कि जो कलर है वो आपके लिप्स पे ना रहे एंड लिप्स के थ्रू आपके मुंह में ना जाए। नेक्स्ट है ये है कि आपको सनस्क्रीन यूज करना है। जी हाँ, आप बाहर होली खेलोगे, आप अपने घर के अंदर तो होली बहुत देर तक नहीं खेलोगे क्योंकि आपके घर की वॉल सारी खराब हो जाएंगी। सो आपको बाहर निकलना ही रहेगा होली खेलने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि बहुत ज्यादा सन टैनिंग हो सकती है आपको और उसकी वजह से आप कि स्किन यू नो सन बर्न भी हो सकता है आपको, तो इसलिए सनस्क्रीन जरूर यूज करें। एंड बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज SPF 32 SPF 50 यूज करें एंड अगर आप घर के अंदर ही हैं तो आप 15-30 SPF भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक है जो स्पेक्स पहनते हैं, तो अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो ठीक है बट अगर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते हैं तो मेरा सजेशन है कि आप होली के दिन बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट लेंस यूज ना करें क्योंकि अगर आपकी आईज में कभी कलर चला गया तो आपके कॉन्टेक्ट लेंसेज में बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी एंड उसको निकालना, रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एंड आपकी आईज में चोट भी लग सकती है, तो होली के दिन आप इसको जरूर अवॉइड करें। सो नेक्स्ट हैक में मैं आपसे बात कर रही हूँ आप अपनी स्कैल्प को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो स्कैल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऑयल लेना, ऑयल में आपको लेमन थोड़ा सा लेना है, आपको थोड़ा सा लेमन जूस लेना है एंड उसको मिक्स करके अपने स्कैल्प पे आपको उसको अप्लाई करना है जिससे कि क्या होगा कि जो कलर्स होते हैं वो आपकी स्कैल्प पे नहीं रुकेंगे। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आप अपने बाल वॉश करोगे दो दिन, तीन दिन, चार दिन तक आपके बालों से कलर ही निकलेगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो ऑयल एंड लेमन आपके जो स्कैल्प होगा उस पर कलर को रुकने नहीं देगा एंड फर्स्ट या सेकेंड वॉश तक वो इजिली निकल जाएगा। नेक्स्ट हैक आपके हेयर्स के बारे में है, तो आप होली खेलने जाने से पहले अपने हेयर्स में बहुत अच्छे से ऑयल यूज करें, कोकोनट या फिर आलमंड ऑयल, जो भी आप चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं एंड आपको बहुत अच्छे से ऑयल यूज करना है अपने पूरे हेयर्स में, बहुत अच्छे से लगाना है। मीन्स मैं कहूँ आपको पूरा चंपू बन जाना है उस दिन जिससे कि आपके हेयर्स डैमेज नहीं होंगे एंड आपके हेयर्स में बिल्कुल भी कलर नहीं रुकेगा एंड जब भी कोई कलर लगाएगा या कोई कलर आपके हेयर्स पे पड़ेगा तो वो पूरा निकल जाएगा जब भी आप इसको वॉश करोगे।
नेक्स्ट होली हैक में आपको अपने हेयर्स को बिल्कुल भी ओपन नहीं छोड़ना है, जिससे कि कलर्स उसमें ना जाएं, ज्यादा कलर्स जाएंगे अगर आप ओपन रखोगे तो आपके सन से डैमेज भी होंगे हेयर्स एंड आपके हेयर्स में बहुत ज्यादा कलर भी बैठेगा, बहुत ज्यादा कलर भी रुकेगा एंड आपको बहुत ज्यादा डैमेज भी हो सकता है हेयर्स का। सो इसलिए अपने हेयर्स को अच्छे से चोटी बनाकर रखें, अच्छे से ब्रेड कर लें या फिर आप चाहें तो एक बन बना सकते हैं जो कि बिल्कुल भी ओपन ना हो, ऐसा बिल्कुल आपको टाइट बन बनाना है और बिल्कुल भी उससे कलर बहुत कम क्वांटिटी में आपके हेयर्स के कांटेक्ट में आएंगे एंड आपके हेयर्स बहुत कम डैमेज होंगे। सो आपने ब्रेड भी बना ली, आपने बन भी बना ली अपने हेयर्स की, नेक्स्ट हैक में आपको क्या करना है, अपने हेयर्स को कवर करना है। आपके पास बंदाना हो तो आप उससे कवर कर सकते हैं या फिर आप दुपट्टे से कवर कर सकते हैं, आपको अपने हेयर्स को तो अच्छा रखना पड़ेगा, तो इसलिए अपने हेयर्स को कवर जरूर करें। फैक्ट में आपको प्रोटेक्ट करना है अपने नेल्स को, तो अपने नेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी अपने नेल्स को बिल्कुल क्लीन ना रखें। अगर आपको पसंद नहीं है नेल पेंट लगाना तो फिर भी होली वाले दिन तो जरूर लगा लें एंड डार्क नेल पेंट लगाएं, कोई भी डार्क कलर की, जिससे कि जो नेल्स हैं वो आपके प्रोटेक्ट रहेंगे, उस पर कलर नहीं चढ़ेगा एंड आप क्यूटिकल्स के अराउंड मीन्स नेल्स के अराउंड आप यूज करें पेट्रोलियम जेली या पेट्रोलियम जेली मीन्स वैसलीन यूज कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो कलर होते हैं वो नेल्स के अराउंड बैठ जाते हैं, वो भी नहीं होगा एंड आपके नेल्स बिल्कुल क्लीन एंड बहुत ही खूबसूरत रहेंगे। सो गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया 10 होली हैक्स जिनसे आप अपने होली को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपकी स्किन या हेयर डैमेज नहीं होंगे। एंड गाइस, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी होली।